अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो रोमानिया पहुंच कर बनाऊंगा, तो इस वक्त दोस्तों मैं रोमानिया पहुंच गया हूं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रोमानिया जिस जगह पे मैं रह रहा हूं, जहां पे मेरी रिहाइश है, ये फैक्ट्रियाँ साथ में दोस्तों, ये काम यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मेरी फ़्लाइट मुल्तान एयरपोर्ट से थी, रात की 3 बजे की दोस्तों। मुल्तान एयरपोर्ट से मैं दुबई गया और दुबई में मेरा 4 घंटे का स्टे था दोस्तों, और दुबई से फिर मेरी बुकारेस्ट की नेक्स्ट फ्लाइट थी दोस्तों। बुकारेस्ट जब एयरपोर्ट पर मैं पूछा दोस्तों, तो उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ से आए हैं। इंग्लिश में उन्होंने दोस्तों मुझसे पूछा था, तो मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ दुबई, और दुबई से बुकारेस्ट आया हूँ। ये 2 सवाल दोस्तों उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछे थे दोस्तों। और उस बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा जो सा वर्क नंबर था वो उन्होंने चेक किया, और मेरी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया दोस्तों, और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प वगैरह लगाई, और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो आगे मेरे कंपनी का पहले से बंदा आया हुआ था दोस्तों। तो जब मैं बाहर निकला तो दोस्तों मैंने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान से 19 लड़के आए हुए थे, मुस्लिम सिटी से, कुछ गुजरांवाला से था, कोई लाहौर से था, कोई सियालकोट से था, इस तरह के ना 19 लड़के थे, अलग अलग सिटी से आए हुए थे बुकारेस्ट एयरपोर्ट पर। तो हम 19 लड़के सेम एक ही कंपनी में आए, सबका सेम वर्क परमिट था। तो मुझे भी बुकारेस्ट एयरपोर्ट जब पहुँचा मुझे पता चला, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो दोस्तों फिर हमने उधर जब हम बुकारेस्ट एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो आगे कंपनी का बंदा पहले से आया हुआ था, उसके साथ हम गए, ट्रेन हमने पकड़ी, उसने हमें ट्रेन की टिकटें वगैरह उसने पहले से ली हुई थी, और तकरीबन 7 घंटे का हमने सफ़र किया। 7 घंटे का सफ़र करके हम अपने शहर वसली सिटी में पहुँचे। अभी हम वसली सिटी में हैं दोस्तों, तो इधर हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा 2 दिन तक आपको काम पर ले जाते हैं, खर्चा इन्होंने हमें दिया खाने पीने के लिए, तो वो हम चीज़ें वगैरह आप ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। हमारे रिहाइश के साथ 2 फैक्ट्री हैं दोस्तों, 2 दिन यहाँ पे हफ्ता एतवार छुट्टी थी, और आज सोमवार है दोस्तों, तो इधर काम शुरू हो गया, ये देख सकते हैं। जैसा कि आप अभी तक मैं काम पे नहीं गया दोस्तों, क्योंकि अभी मैं जो आया हुआ 1 दिन हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने हमें खर्चा वगैरह दिया, इन्होंने कहा ये कुछ इन्होंने हमें पैसे लिए, ये कुछ सामान वगैरह खाने पीने का ले लें, तो आपको 2 दिन तक काम पर ले जाएँगे। और इधर इन्होंने हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन पे इन्होंने हमारे साइन वगैरह भी करवाए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह किया। जबकि हमारे जान ने हमसे 3,000 ली जो थी सैलरी, वो हमसे हमें आ रहा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था जब हम पाकिस्तान से आए। तो दोस्तों जब इधर पहुँचे हैं तो इन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट हमें दिए हैं, उस पर हमारी 2400 ली है, खाना रिहाइश कंपनी की होगी। तो ये सूरत हाल है दोस्तों जो भी आपके सामने अभी, तो अभी मैं आपको अपनी रिहाइश दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मैं बालकनी में करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बालकनी में करूँ। अभी मैं आपको अपनी रिहाइश दिखाता हूँ, आपको मैं कमरे में दे जाता हूँ दोस्तों। ये वाशरूम है दोस्तों, यहाँ पे हम रह रहे हैं, आप वाशरूम देख सकते हैं, ये सारी वाशरूम की सहूलतें हैं। ये नहाने के लिए है, ये जो सी चीज जगह है ये नहाने के लिए, यहाँ पर नहाने की जगह सारी है, ये सारा वाशरूम। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको कमरे की तरफ ले जाता हूँ दोस्तों। एक कमरे में 6-6 लड़के रह रहे हैं, ठीक है ना, तो एक कमरे में 6-6 लड़के रह रहे हैं, उन्होंने आपस में जो भी है इकट्ठा एक ग्रुप बनाना है, खाना पीना जो भी है सारा अरेंज करना। ये देखें ये कमरा हमारा, वो भाई एक लेटे हुए हैं, एक भाई इधर लेटे हुए हैं, ये 6 बेड लगे हुए हैं। ये कमरे की कंडीशन है जो आप देख सकते हैं, ये देखें ये भाई जी, हाँ जी चैनल है यूट्यूब पे। ये भाई आए हैं गुजरांवाला से, ये बलवाल से हैं मेरे साथ, बलवाल सरगोधा से। ये कमरे की लोकेशन आपने देख लिया, कंडीशन कमरा यहाँ कैसे है। तो जो भी भाई आ रहे हैं वो अपने एजेंट से सारी बातें क्लियर कर लें, क्योंकि हमारी तो 3,000 सैलरी उन्होंने ली में बताई थी, तो इधर 2400 ली इन्होंने हमें, नया कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन करवाया दोस्तों। तो रिहाइश वगैरह मैंने आपको सारी दिखा दी है, तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया तो इन्होंने हमें बताया कि ये आपकी आधी रिहाइश है, जब आपको कंपनी में हम ले जाएंगे वर्क के लिए तो उधर जा आपको इससे अच्छी यानी कि इससे बेहतर रिहाइश मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, अभी 2 दिन उन्होंने कहा वेट करें, खाने के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, तो वो खाने के लिए हम चीज़ वगैरह बाजार से ले आए हैं, मार्केट से खाना वगैरह जो भी हम खुद बना रहे हैं अंदर। तो देखते हैं अभी 2 दिन के बाद। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और आने वाली मेरी वीडियो की ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।